आज बनाऊंगी बहुत ही यम्मी और बहुत ही झटपट से बन जाने वाला बैंगन का भरता, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बैंगन लिया है और इसे बीच से चीरा लगा दिया है। चीरा लगाने से ये दिख जाएगा कि अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है, और साथ ही मैं इसके अंदर लहसुन और दो हरी मिर्ची डालूंगी। इससे बैंगन के भरते का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और साथ में एक टमाटर भी लेंगे, इसे भी बैंगन के साथ भूनना है। बैंगन और टमाटर के ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा देंगे, जिससे जब ये भुन जाएगा तो इसके छिलके निकालने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब बैंगन और टमाटर को अच्छे से भून लेना है। मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो मैं इसी पे इनको भून रही हूँ। बैंगन के भरते को ऐसे भून के बनाने से बहुत ही सोंधा सा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, बैंगन भी बहुत अच्छे से भुन गया है और टमाटर भी भुन के रेडी है। मैंने यहाँ एक उबला हुआ आलू भी लिया है। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। और बस इसे अच्छे से छील लेंगे। ये देखिए, तेल लगाने से कितने अच्छे से इसका छिलका निकल जा रहा है। बैंगन, आलू और टमाटर को हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें मिलाऊंगी एक बारीक कट किया हुआ प्याज। साथ में थोड़ी सी लहसुन, मिर्ची और अदरक, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, उसे भी मिला देंगे। और साथ में थोड़ा सा धनिया पत्ती, इससे चोखे का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और नमक स्वाद अनुसार। और इसमें मैं 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल भी मिलाऊंगी। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा यम्मी सा बैंगन का चोखा बनके बिल्कुल रेडी है, बैंगन का भरता। इसे आप लिट्टी के साथ, खिचड़ी के साथ या दाल राइस के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।